गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम ट्रेवल टर्टल। आज का दिन है संडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से अपने घर पे, बस एक छोटा सा मोटो ब्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली हमें FZ की टॉप स्पीड मतलब 0 to 60 कितने देर में गेन करती है ये देखनी है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, देखते 0 to 60 कितने देर में आती है और 0 to 100 कितने देर में गेन करती है FZS V3। सो ब्लॉग पे बने रहिए मेरे साथ। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है, थोड़ा सनी डे है, जैकेट पहनने के बाद भी काफ़ी ज़बरदस्त वाली गर्मी लग रही है, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गो। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और आप टाइमर पे देख सकते होंगे अभी 0 है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने जल्दी हमारा 0 to 60 गेन करता है। सो ये स्टार्ट हो गया। आप लोग मुझे बताते रहना 0 to 60 और 0 to 100 कितने स्पीड पे गेन किया है, कितने टाइमर पे, क्योंकि इसे रोकना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देख सको इसे। 95 तक तो जा चुकी है, आप देख रहे होंगे क्लियर विजुअल होगा। 102 104। मुझे बस ये स्पीड टेस्ट करना था। एक्चुअली मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा, थोड़ा सा रोड खाली मिले। वॉच को मैं रीसेट कर देता हूं एक बार। यहां पे एक्चुअली देख एक और रोड है, ये थोड़ा सा आगे जाने पे रोड थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा मुझे। आप देख रहे होंगे रोड, ये नेशनल हाईवे है, ये कोलकाता दिल्ली हाईवे पड़ता है। हम अभी जिस साइड में जा रहे हैं ये रोड अच्छा है, इसीलिए तो ये निकल जाएगी दिल्ली। यहाँ से आपको 1200 किलोमीटर पड़ती है दिल्ली, और मेरे पीछे मतलब डैट लेन में अगर हम लोग चले जाएंगे उस वाले लेन पे तो कोलकाता के लिए निकल जाएंगे, भाया धनबाद दुर्गापुर आसनसोल सब उसी रूट में पड़ेगा आपको। काफ़ी बस वगैरह थी, अभी पीछे बस ट्रक काफ़ी चल रही हैं। यहाँ एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम है भाइयों की, यहाँ पे सडनली कोई क्रॉस करने लगता है रोड, कभी कभी जानवर भी आ जाते जैसे बकरियाँ वगैरह, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एक्सीलरेट रहोगे और सडनली कोई बीच में आ जाए तो ब्रेक मारते मारते या तो उसको ठोक दोगे या तो खुद गिर जाओगे। तो हाईवे पे बस मतलब जो भी हाईवे आपका गांव के एरिया के सामने से क्रॉस करता है वहाँ पे बस सडनली यही एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से रोड थोड़ा सा ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कर दिया गाड़ी को न्यूट्रल और सो काउंट ऑन 3 1 2 3। सेकेंड्स के अप्रॉक्स में ये 60 क्रॉस कर जाती है। नाउ देखते हैं कि 100 कब घुसती है ये। यार काफी टाइम लग गई यार, 27 सेकेंड्स के आसपास लग रही है 100 क्रॉस करने में। आप 12.4 bhp के पावर पे आओ, क्या लेना चाहोगे। हाँ यही है कि इसकी एक्सीलरेशन काफी तगड़ी है तो तुरंत पिकअप ले लेती है गाड़ी। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगा हमारा ये रिव्यू, ये एक्सीलरेशन टेस्ट, और मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में जल्दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों का प्यार, लाइक एंड सपोर्ट काफी जरूरत है हमें उसका। तो मिलते हैं, बाय बाय।